हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है ईद स्पेशल सेवई शीर खुरमा। ये बहुत ही टेस्टी, रिच, क्रीमी और डिलीशियस बने हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 15 बादाम और 20 काजू को 4-5 घंटों के लिए पानी में भिगो लेंगे। अगर थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे तो 1-1.5 घंटा काफी रहेगा। चलिए अब आती है सेवई को तलने की बारी। मैंने यहाँ पर लिए हैं बारीक लाल सेवई। एक हैवी बर्तन में 1 चम्मच घी लेकर सेवई को हल्का सा तोड़कर इसमें डालकर अच्छे से धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। हो सके तो बारीक से बारीक लच्छे वाले सेवई ले तो शीर खुरमा अच्छा बनेगा। चाहे सफेद या फिर लाल कोई भी ले लें, एनी हो हमें इसे दोबारा इस तरह से घी में फ्राई करना ही पड़ेगा। मैं इसमें से सिर्फ 100 ग्राम सेवई ही शीर खुरमा के लिए यूज करूंगी। बाकी के मैं इससे दूसरे वैरायटी के सेवई बनाऊंगी। ये ईद के लिए मैं पहले ही तल कर रख रही हूँ। मुझे इन्हें तलते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अगर आप क्वांटिटी थोड़ा कम लेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर तक रेडी होकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से फ्राई होने चाहिए। इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें, फिर आप इससे सेवई का उपमा बनाएं, बिरयानी या फिर मीठा, बड़े हैंडी होते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए 2 लीटर फुल क्रीम दूध लेकर एक हैवी बॉटम भगोने में दूध को उबाल लें। जब दूध में एक उबाल आ जाए तो इसमें शामिल कर दें काजू और बादाम का पेस्ट। जो काजू और बादाम हमने भिगो कर रखे थे, बादाम का छिलका हटाकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट बनाकर इसे दूध में शामिल कर दें। इसके बाद इसमें जाएगा 200 ml कंडेंस्ड मिल्क। दूध को कंटिन्यूसली चलाते रहें, नहीं तो दूध नीचे से काफी जल्दी जलने के चांसेस हो जाते हैं। काजू बादाम का पेस्ट और कंडेंस्ड मिल्क दूध को काफी रिच कर देते हैं, तो हमें काफी देर तक इसे उबाल उबाल कर गाढ़ा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसमें जाएगा 2 चुटकी जाफरान। जाफरान हमारे शीर खुरमे को काफी अच्छा फ्लेवर और रंग देता है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप से 1 कप के दरमियान चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। दोस्तों, अब इसमें जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ही थोड़ा रत्ती भर का नमक। थोड़ा सा नमक डालने से किसी भी मीठे की मिठास काफी बढ़ जाती है। आप अगर नहीं डालते हो तो एक बार डाल के जरूर डिफरेंस देखिएगा। दोस्तों, सभी चीजें डल चुकी हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी इसमें जाएगा 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर ऑलमोस्ट आखिर में डालें, नहीं तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इलायची का फ्लेवर काफी जल्दी उड़ जाता है। इलायची के पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब एक भगोने में 2 टेबलस्पून घी गरम करके इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो चिरौंजी या फिर चरोली भी थोड़े से ले लीजिएगा। लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही किशमिश फूलने लगे, हम ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेंगे। अब इसी भगोने में 1 चम्मच घी और लेकर इसे गरम कर लें और इसमें शामिल कर दें 1 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी और जो दूध हमने बनाकर रखा था ना, वो वाला दूध। इसमें से 1 पाव दूध मैं साइड में बचा कर रख लूंगी, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए, तुरंत ही दूध में हम शामिल कर देंगे 100 ग्राम जो हमने सेवई तल कर रखे थे ना, वो वाले सेवई। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और पीछे से इसमें शामिल कर देंगे तल कर रखे हुए ड्राई फ्रूट। सेवई डालने के बाद दूध में एक उबाल आने देंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने जो सेवई यूज किए हैं वो हल्के से मोटे हैं। अगर आप लच्छा वाले बारीक सेवई यूज कर रहे हो तो जैसे ही सेवई को गर्म दूध में डालें, फ्लेम को बंद कर दें, नहीं तो बारीक सेवई पूरी तरह से गल जाएंगे। अब आखिर में इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बारीक कटे हुए खजूर। ये वही खजूर है जो हम इफ्तारी में यूज करते हैं। जब सेवई गर्म हो तो इस पर ढाकन बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो स्टीम से सेवई ओवर कुक हो जाएंगे। सेवई ठंडा होने पर अगर गाढ़े हो जाए तो ये जो दूध रखा है ना, इससे आप कंसिस्टेंसी दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं।
मैंने एक दिन पहले ही सेवई तल कर रख लिए थे और दूध भी बना कर रख लिया था। अगर आप चाहो तो एक ही बर्तन में शीरकुरमा सारा एक ही बार में बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये नवाबी शीर खुरमा आपको कैसे लगा कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपीज को लाइक कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।